खरगोन में पथराव, आगजनी और हिंसा के दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी को पैर में गोली मारने वाले आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम की न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड दी है। पुलिस अब आरोपी से पिस्टल के बारे में पूछताछ करेगी। अन्य आरोपियों को लेकर भी पुलिस पूछताछ करेगी। प्रभारी एसपी रोहित काशवानी ने मीडिया को बताया कि फरार उपद्रवियों की धरपकड़ करने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई है। जल्दी ही करीब 100 से अधिक उपद्रवियों को पुलिस हिरासत में लेगी। पथराव, आगजनी और हिंसा के मामले में अब तक 64 प्रकरणों में 175 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी फरार आरोपियों की खोजबीन के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। रोहित काशवानी ने बताया कि शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की छूट के दौरान शहर में सामान्य स्थिति रही। रविवार को भी कर्फ्यू में आज की तरह ही छूट दी जाएगी। प्रभारी एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि फिलहाल रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। प्रकरण दर्ज हो गए, कितनी गिरफ्तारी? अभी तक कुल 64 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 175 गिरफ्तारी की जा चुकी है और पुलिस अपने गिरफ्तारी के लिए और अन्य जो मुख्य आरोपी हैं उनके लिए लगी हुई है, पूरा प्रयास कर रही है। हमारी साइबर टीम, गिरफ्तारी टीम और अन्य टीमें लगी हुई है। कुछ टीमें बाहर भी गई हैं, शीघ्र ही और हमें सफलता मिलेगी उम्मीद है। मोहसिन और वसीम जो हमें, जिसने हमारे एसपी सर पर गोली चलाई थी, उसको गिरफ्तार कल किया गया है। उसका पीआर लिया गया है। अब अग्रिम पूछताछ की जाएगी और उस पर अन्य कार्रवाइयाँ भी की जाएगी। कितने दिन का पीआर मिला? उसका पीआर अभी आई पुलिस, वहाँ कोर्ट में चल रही है प्रोसेस। जैसे ही आएगा बताया जाएगा। उसमें तलवारबाजी भी था, उसके अभी तक कुछ? उसकी अभी पूछताछ की जाएगी उस बारे में, फिर उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। कर्फ्यू में ढील वगैरह को लेकर? कर्फ्यू में ढील को लेकर अभी स्थिति बेहतर हो रही है। आज हमने सुबह 8 से शाम को 5 तक कर्फ्यू खोला था और अभी तक ठीक चला है सब कुछ। तो उम्मीद है यही डील चलेगी। हम नाइट कर्फ्यू तो कंटिन्यू रखेंगे, बाकी सुबह के टाइम यही चलेगा और अधिकतर दुकानें भी खुल रही हैं, तो आशा है लोगों को रिलीफ मिला होगा। सभी से यही उम्मीद करते हैं कि शहर का अमन चैन बनाए रखने में सहयोग करें। ये फरार जो आरोपी हैं सर, उनके पकड़ने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? नाम भी घोषित? उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, हमारी विभिन्न टीमें लगी हुई है। हम यहाँ पर जो मानवीय साक्ष्य हैं या फिर हमारे तकनीकी साक्ष्य हैं, सभी का सहारा ले रहे हैं और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। सर अभी कोई मिसिंग तो नहीं है? नहीं, अभी मिसिंग केवल 2 लोग थे जिनके बारे में पूर्व में ही बताया जा चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।